फ्रेंड्स, आज हम लोग डबल कटोरी ब्लाउज का 38 साइज का कटिंग सीखेंगे। उसके लिए मैं डबल पेपर ले आई हूँ। देखिए, उसके लिए डबल पेपर की ज़रूरत होता है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ निकलेगा एक साथ। तो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए दोस्तों। तो पहले हम लोग ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे। हम लोग का ब्लाउज का लेंथ है 13, तो मैं लूँगी 14.5। जितना भी आपका लेंथ होगा उससे आप डेढ़ इंच ज़्यादा लीजिएगा। फ्रंट साइड के लिए डेढ़ इंच लिया जाता है, और बैक साइड के लिए 1 इंच ले जाता है। तो बाद में हम लोग पीछे का जो भाग होता है उसमें आप 1/2 इंच हम लोग माइनस कर देंगे। तो निशान देने से आपका लाइन सीधा होगा। हमेशा आप लोग 2 निशान दीजिएगा। देखिए इस तरह। अभी हम लोग शोल्डर लेंगे। मैं शोल्डर 5.2 ले रही हूँ। आर्म होल ले रही हूँ मैं 5.5 इंच। यहाँ भी 5.2 में एक निशान दे देंगे। देखिए, अभी लाइन को सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह। अभी इस तरह भी 5.2, यहाँ पर भी आप 5.5 इंच में एक निशान दीजिएगा लाइन सीधा करने के लिए। अभी हम लोग नेक लेंगे। नेक में ले रही हूँ 2 इंच। नेक का लंबाई 6.5 ले रही हूँ। जहाँ पर 6.5 ले रही हूँ वहाँ पर मैं 2.5 लूँगी। ऊपर 2 इंच, नीचे 2.5 इंच लिया हूँ। इस तरह। इसको सीधा कर लूंगी। अभी नेक का गोलाई दे दूंगी। अभी हम लोग चेस्ट लेंगे। चेस्ट हम लोग का 38 इंची है। तो उसका फोर्थ भाग का एक भाग होगा आपको 9.5। देखिए 38 को 4 से डिवाइड करने से 9.5 होगा। देखिए 9.5 प्लस हम लोग सिलाई मार्जिन देंगे 2 इंच। अभी हम लोग कमर लेंगे। कमर उनका है, मेरा कमर है 32 इंच। 32 का चौथा भाग होता है 8, प्लस ड्रेस के लिए 1 इंच। तो 9 में मैं एक ठो, देखिए 9 में एक ठो मैं निशान दिया हूँ। अभी 2 इंच सिलाई मार्जिन ऊपर रखेंगे तो नीचे में भी सिलाई मार्जिन 2 इंच रखेंगे। तो अभी ये निशान से ये निशान को मिला दूंगी। देखिए सिलाई मार्जिन को मिला दूंगी। देखिए इस तरह। अभी हम लोग आर्म होल के गोलाई के निशानी देंगे। एक देंगे 1.5 इंच में और एक देंगे 1 इंच में। अभी ये निशान देने के बाद हम लोग अभी गोलाई का शेप करेंगे।
है, इस तरह आप निशान दे दीजिएगा गोलाई। इस तरह आगे पीछे का निशान हो गया। देखिए अभी अभी हम लोग डीप नेक है, इसीलिए कंधा जैसे ना गिरे इसीलिए हम लोग गले के पास हाफ इंच का डाउन देंगे। देखिए हाफ इंच में डाउन दे देंगे हम लोग। गले के पास अभी हम लोग बेल्ट के निशान देंगे। बेल्ट के लिए हम लोग 11.5 में एक निशान देंगे, एक निशान यहाँ भी देंगे, इस तरह भी देंगे, दो निशान देंगे। अभी दो निशान को सीधा करना है। देखिए अभी 1.25 इंच ऊपर एक निशान देंगे। देखिए अभी इसको गोलाई दे देंगे थोड़ा, बेल्ट की गोलाई। देखिए इस तरह अभी हम लोग कटोरी लेंगे। कटोरी अभी हम लोग का चेस्ट जितना है उसका 6 भाग का एक भाग, तो हम लोग का चेस्ट 38 है तो उसका 6 भाग का एक भाग होता है आपका 6.2 में हम एक पॉइंट दे निशान दे देंगे। देखिए सामने आर्म होल से हमें 2.2 में दे रही हूँ एक निशान, यहाँ मैं दूंगी 1 इंच में एक निशान गले के पास। अभी तीनों निशान को मिलाना है इस तरह। देखिए इस तरह मिलाना है। अभी हम लोग का ब्लाउज का पूरा ड्राइंग हो चुका है, अभी हम लोग इसको कटिंग करेंगे। देखिए अच्छी तरह से दोनों को मिला के, दो पेपर को मिला के रखिएगा, उसके बाद आप कटिंग कीजिएगा। अभी हम लोगों का सामने वाला पल्ला सब निकल चुका है, अभी पीछे का करेंगे, पीछे का गला कटिंग करेंगे। आगे में जितना लिए थे गला उतना ही लेंगे, इसमें भी 2 इंच लेंगे। अभी इसका नेक डीप है 10.5, तो 10.5 में टू मैं दूंगी निशान देने के बाद आप
3 डीप दे सकते हैं, जितना आप डीप करेंगे उतना गोलाई डीप तो उतना दे सकते हैं। 3 में 3 दे रही हूँ। अब इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह अभी हम लोग नेक गोलाई दे देंगे। अभी हम लोग 1.5 इंच लंबाई में लिए थे तो पीछे में 1/2 इंच हम लोग माइनस कर देंगे, नहीं तो पीछे पल्ला बड़ा हो जाएगा अगर माइनस नहीं करेंगे तो, सिलाई करते समय बड़ा हो जाएगा क्योंकि पीछे में 1 इंच बड़ा होता है लंबाई में और सामने में 1.5 इंच की हम लोग को ज़्यादा लेना पड़ता है। पीछे में 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है, पीछे में 2.5 इंच। देखिए हम लोग का हो गया, पीछे का पार्ट निकल गया है। देखिए अब इसको हम लोग अलग रखेंगे। अभी हम लोग टुकी को, ये टुकी नहीं लगेगा, ये टुकी अगर लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा तो इसको हम लोग को बढ़ाना है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय ये ध्यान रखिएगा गले के पास, ये गले के पास 1 इंच एक निशान दीजिएगा। अभी इसको ऐसे 1 इंच में मिलाना है, बीच से फोल्ड करना है। देखिए अभी इसको कट करना है बीच से। देखिए इस तरह अभी हम लोग ये कटोरी को बढ़ाएंगे। अभी हम लोग जैसा है वैसे हम लोग पूरा ड्राइंग कर लेंगे इसका। इस तरह पूरा ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ 1-1 इंची का निशान देंगे हम लोग। देखिए इस तरफ 1 इंच का और इस तरफ भी 1 इंच का निशान देंगे। अभी दोनों निशान को बड़ा मिला देंगे। देखिए सीधा से, देखिए इस तरह मिला देंगे। अभी इसको मिलाने के बाद अभी इसको नापेंगे कितना है। देखिए तो हम लोग का 8 हो रहा है। 8 के आधा होता है 4, तो हम लोग 4 में 1 निशान देंगे बीच में। नीचे हम लोग 1.5 इंच नीचे निशान देंगे, 2 निशान देंगे नीचे में, 1 इंच में 1 निशान देंगे और 1/2 इंच में 1 निशान देंगे, 2 निशान देंगे। अभी यहाँ भी 1/2 इंच आपको बढ़ाना है गले के, गले के पास, और इस तरह भी 1/2 इंच बढ़ाना है आपको। देखिए इस तरह अभी 2 निशान को मिलाएंगे। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह। अभी इसको डॉट डॉट देते हुए मिलाएंगे, 1 इंच में जाके मिलाएंगे। देखिए इस तरह, इस तरह। अभी 1 इंच में जो निशान दिए हैं उसके साथ अभी इनको मिलाना है। देखिए इसको ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला दूंगी और ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला दूंगी। देखिए
का, ये हम लोग का ऊपर का कटोरी निकाल लिया। अभी नीचे वाला का करेंगे, तो ये 1.5 इंची में जो निशान दिए उसको हम लोग पहले सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा कर लेंगे इस तरह सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ जितना है यहाँ भी इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए यहाँ पर भी। अभी हम लोग नीचे वाला पल्ला को नापेंगे, पतला नीचे जो पतला है वो वाला नहीं, जो चौड़ाई में है उसी को मापना है, कम चौड़ाई वाला नहीं ज़्यादा चौड़ाई वाला में मापना है। कितना है आपका वो देखना है आपको। हम लोग का 2.5 हो रहा है तो 2.5 इंच में एक पॉइंट देंगे। देखिए निशान, ये देखिए इस तरह भी 1.5 इंच में निशान देंगे। अभी 2 निशान को मिला देंगे। देखिए ऐसा, ये भी हम लोग का 8 आना चाहिए, जितना ऊपर था उतना ही आना चाहिए ये भी निशान। देखिए ये भी इसको अभी हम लोग 1.5 इंच से ये पॉइंट को ये पॉइंट से मिला देंगे। देखिए डॉट डॉट देते हुए मिला देंगे हम लोग। देखिए इस तरह अभी ये निशान को ये निशान से मिला देंगे। इस तरह मिला देंगे। इस तरह मिला देंगे क्रॉस में। अभी पीछे का पल्ला में जो हम लोग शेप दिए थे ना 1 इंची का, वो शेप को हम लोग को देना है। देखिए इसको पूरा बॉक्स करना है। देखिए इसको बॉक्स कर लेंगे पहले। उसके बाद इसको शेप यहाँ पर शेप दे देंगे। ये शेप दे देने से आपका नीचे वाला जो होता है ये वाला बेल्ट होता है ना, वो जोड़ने में थोड़ा सुविधा होता है ये निशान देने से। देखिए इस तरह निशान दे देंगे इसको। इस तरह निशान दे देंगे तो अब हम लोग कट करेंगे। उसके बाद आपको बीच में जो थोड़ा कोना निकला है ना उसको थोड़ा गोलाई में शेप देना है आपको। स्लाइड गोलाई दे दीजिएगा। देखिए इस तरह अभी इसमें भी थोड़ा सा स्लाइड गोलाई दे दीजिएगा यहाँ पर भी। देखिए हम लोग का टुकी निकल गया है। देखिए अभी इनको ये नीचे वाला को आपका बीच में फोल्ड करना है। करने के बाद आपको ऊपर से 1/2 इंची से थोड़ा ज़्यादा छोड़ देना है। देने के बाद इसको आप 2 इंची, ये वाला 2 इंची कीजिएगा।
चाहिए, वाला लाइन 2 इंच में देना चाहिए। देखिए 2 इंच में आपको होना चाहिए, देखिए 2 इंच में। अभी दोनों तरफ हाफ हाफ इंच में निशान देंगे। देखिए दोनों देने के बाद अभी निशान को मिला देंगे। देखिए इस तरह, इस तरह ये हम लोग का प्लीट का निशान हो गया। अभी कटिंग हम लोग का पूरा हो चुका है। देखिए आप लोग उनको मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करने को मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नया वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।